प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम में अंबाला में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान नौजवानों को रोजगार सृजन पर पूरी तरह से लगा हुआ है और पिछले 10 सालों में लाखों नौजवानों को देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उनको नियुक्ति पत्र देकर उनको रोजगार देने का काम किया है। आज सेकंड फेज में भी पहले रोजगार मेले में देश के 40 स्थानों पर 51,000 नवयुवकों को विभिन्न विभागों में आज नियुक्ति पत्र ऑनलाइन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सौंपे। इस मौके पर कृष्ण पाल गुर्जर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5,00,000 तक का निशुल्क इलाज प्रदान करने का फैसला किया है। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद युवा बेहद ही खुश नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का धन्यवाद किया। हमारा केंद्र में आए हैं क्योंकि हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। हमारा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में था एज सब इंस्पेक्टर। जो यूथ होता है ना, उसका सपना होता है गवर्नमेंट चलता है एक अच्छी सी मतलब छोटी कम उम्र में लेने का, तो हमारा वो फिलहाल पूरा हो गया सपना और हम आज बहुत खुश है। आज मैं दिल्ली पुलिस के लिए जो नियुक्ति लेटर लेने के लिए अम्बाला एसडी कॉलेज में आया हुआ हूँ। बीजेपी सरकार के प्रयास से बिना खर्ची पर्ची के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5,00,000 रुपए तक का निशुल्क इलाज मुहैया कराया गया। सरकार के इन प्रयासों को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। अंबाला से सूर्य समाचार के लिए नरेश सैनी की रिपोर्ट।